एलिजाबेथ का प्रसव काल पूरा हुआ और उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया। जब पड़ोसियों और परिजनों ने यह सुना कि एलिजाबेथ पर यह अनुग्रह हुआ है तो वे भी उनके इस आनंद में सम्मिलित हो गए। आठवें दिन वे शिशु के खतना के लिए इकट्ठा हुए। वे शिशु को उसके पिता के नाम पर जकरिया पुकारने लगे, किंतु शिशु की माता ने उत्तर दिया, नहीं, इसका नाम योहन होगा। इस पर उन्होंने एलिजाबेथ से कहा, आपके परिजनों में तो इस नाम का कोई भी व्यक्ति नहीं है। तब उन्होंने शिशु के पिता से संकेत में प्रश्न किया कि वो शिशु का नाम क्या रखना चाहते हैं। जकरिया ने एक लेखन पट मंगाकर उस पर लिख दिया, इसका नाम योहन है। ये देख सभी चकित रह गए। उसी क्षण उनकी आवाज लौट आई, उनकी जीभ के बंधन खुल गए और वो परमेश्वर का स्तुति करने लगे। सभी पड़ोसियों में परमेश्वर के प्रति श्रद्धा भाव आ गया और यहूदिया प्रदेश के सभी पर्वतीय क्षेत्र में इसकी चर्चा होने लगी। निसंदेह प्रभु का हाथ उस बालक पर था। जिन्होंने ये सुना उन्होंने इसे याद रखा और ये विचार करते रहे, क्या होगा ये बालक। पवित्र आत्मा से भरकर उनके पिता जकरिया इन भविष्यवाणियों का वर्णानुभाषण करना, वार्तालाप करना। धन्य है प्रभु इज़राइल के परमेश्वर, क्योंकि उन्होंने अपनी प्रजा की सुधि ली और उसका उद्धार किया। उन्होंने हमारे लिए अपने सेवक दाविद के वंश में एक उद्धारकर्ता उत्पन्न किया है, जैसा उन्होंने प्राचीन काल के अपने पवित्र भविष्यद्वक्ताओं के माध्यम से प्रकट किया, शत्रुओं तथा उन सब से जो हमसे घृणा करते हैं बचाए रखा, कि वो हमारे पूर्वजों पर अपनी कृपा दृष्टि प्रदर्शित करें तथा अपनी पवित्र वाचा को पूरा करें, वही वाचा जो उन्होंने हमारे पूर्वज अब्राहम से स्थापित की थी। वो हमें हमारे शत्रुओं से छुड़ाएंगे कि हम पवित्रता और धार्मिकता में निर्भय हो जीवन भर उनकी सेवा कर सके। और बालक तुम मेरे पुत्र परम प्रधान परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता कहलाओगे, क्योंकि तुम उनका मार्ग तैयार करने के लिए प्रभु के आगे आगे चलोगे। तुम परमेश्वर की प्रजा को उसके पापों की क्षमा के द्वारा उद्धार का ज्ञान प्रदान करोगे। हमारे परमेश्वर की अत्यधिक कृपा के कारण स्वर्ग से हम पर प्रकाश का उदय होगा, उन पर जो अंधकार और मृत्यु की छाया में हैं, कि इसके द्वारा शांति के मार्ग पर हमारा मार्गदर्शन हो। बालक योहन का विकास होता गया तथा वो आत्मिक रूप से भी बलवंत होते गए। इज़राइल के सामने सार्वजनिक रूप से प्रकट होने के पहले वो जंगल में निवास करते रहे।